डॉक्टर मीर जवाद जार खान चेयरमैन जर्मेंटन हॉस्पिटल को 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मेंटन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मेंटन हॉस्पिटल अतापुर हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए निकलते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि हबीब नगर PS लिमिट मल्लापल्ली के पास है, जहां पर एक खातून ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक ये पता चला है कि शाहीन बेगम की शादी जो है आज से 23 साल पहले हुई थी और इनको एक 18 साल का बेटा भी है। शाहीन बेगम की मोहब्बत बड़ी दास्तां है क्योंकि मोहब्बत कर इन्होंने शादी की थी। हरिनाथ से इनको मोहब्बत हो गई थी, हरिनाथ से इनकी जिंदगी गुजर रही थी, फिर पता नहीं क्या बात हुई जिसकी वजह से इन्होंने अपने घर में फैन से लटक कर इन्होंने जान दे दी। तो बहरहाल जो है शादी भी वैसी हुई है और मौत भी वैसी हुई है। खैर, शाहीन बेगम की लाश जो है 3 घंटे तक फैन से लटकते रही। पुलिस को इत्तला करने के बाद भी पूरे 3 घंटे लगे शाहीन बेगम को फैन से नीचे उतारने के लिए, क्योंकि पुलिस के मुताबिक जो है क्लोज टीम आने में देरी कर दी है, जिसकी वजह से जो है 3 घंटे तक डेड बॉडी फैन पे लटके रही। तो बहरहाल आइए सूचना खबर हम आपको दिखाते हैं मल्ला पुलिस। अरे भाई चले गए ना दाऊद पे। अरे भाई मैं आ ले रहा हूं, खा लिए ना थोड़ी देर में। जी पुलिस है यहाँ पे सर, आ गई पुलिस। ये मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद के पास बच्चों का, हाँ उसकी गली में ही है। ठीक है सर, यहाँ पुलिस है सर, आ गई पुलिस। नहीं मालूम सर। मेरा नाम हरिनाथ है, मेरी बीवी का नाम शाहीन है, मेरा एक बेटा है 18 साल का, हमारी शादी के 24-23 साल के ऊपर होगा। और बोलते सो मेरी बीवी बाजूगाल से लड़ाई हो गई, वैसे उनके अम्मा के घर को गए, मेरा बच्चा पकड़ के लेके आया, चलो जान दो बोलते दोनों। फिर अम्मा बेटे खिरकिरी कर लेके चले गए, जाके उनकी बहन कहने आ जा तुम वहीं सो जाओ, तुम ना चले गए बोले तो मेरा बच्चा मैं सो गए। फिर उन्होंने आए, खाना खाए क्या तुम ना, तो हमने खा लिए बोले तो ठीक है, मेरी तुम ना खा लिए ना सो जाओ बोले तो ठीक है, कपड़े धोते बोल के बालकनी में गए होंगे, दरवाज़ा इधर बच्चा जाके अंदर सोगा, मैं मेरे पलंग पे सोया, सोए तरह नींद मेरे को भी लग गई, बच्चे को भी लग गई। आगे पुलिस वाले खटका मारे तो देखे तो क्या बाहर पुलिस वाले मारे, खटका मारे पास भी हमको नहीं मालूम, बाहर ऐसा लाश पड़ा हुई इनकी बोल देखे बाहर आए, बच्चे को उठाया मैं, फांसी डाल लिए बोल के मालूम भी नहीं, जाके देखे तो क्या है फांसी डाल हुई, कुर्सी से एक टंग लटका हुई उनकी। मेरे से झगड़ा नहीं कुछ नहीं, मैं तो समझाता हूँ, यहाँ पे पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं, मैं हमेशा समझाता हूँ, कोई भी मेरे बारे में बोले तो बोलते बहुत समझाता बेचारा, कभी भी किरकिरी कर लिए तो समझाता हूँ, बच्चे को भी समझाता हूँ, नहीं लड़ना कुछ भी, बाजू काजू का से भी नक्को लड़ो बोलता हूँ। वो क्या किराक पाना छुटका कि बेटे के ऊपर से जाके सीधा आए सो है, कभी 10 बार ऐसा करने गए मगर कि ऐसा कभी भी करते ना, कभी गैस का दिल डाल देती हूँ बोलते, ऐसा समझाता था मनाता था बेटा तो, पर इतना बड़ा काम हो जाता बोल के मेरे को नहीं मालूम, मैं भी सो हुआ था, सब लोग आके उठाए तो उठो बोले तो मैं परेशान हूँ कौन है घर में, इन्हों कहाँगे बोल के देखा तो क्या अंदर बच्चे को उठाए तलक बालकनी में इनके एक टांग कुर्सी पे फांसी लटक हुई है। शाइन मेरा बेटा 18 साल का है सर। नहीं बाजू वालों से झगड़ा नहीं, बच्चे से भी बाजू वालों से होते रहता झगड़ा, एक बार नहीं 2-3 बार हुआ, होती बात बेटे को क्या करे, बेटा भी 1-2-3 बात बोला क्या है जी तुम घड़ी घड़ी लड़ते जान दो चलो बोल के ऊपर खींच के लाया, इसको 1-2 पचकड़ा मारे, बच्चा भी क्या कर रहा तुम कभी भी ऐसे करते, मैं चले आता हूँ बोल के बोला तो फिर मेरे को फ़ोन करा बच्चा तुम जल्दी आओ जी मैं चले आता हूँ, बोलता था बच्चा का काम करता लगनम में वहाँ पे बंजर रोड नंबर 12 पे, जान दे बेटे कल सुबह को ड्यूटी जाना है ना, 4-5 दिन से तुम ड्यूटी भी नहीं जा रहे, सब लोग वहाँ चीज़ गए तुम जाओ बोल के ठीक है कपड़े इस्तरी कर लेता हूँ बोल के कपड़े वगैरह सब कर लिया, सुबह जाता ना बोल के मैं चलो बोल के सुला दिया। आए तो लगे सब तमाशा, हम ना यहाँ के रहने वाले आप यहीं छे, यहीं पैदा हुए यहीं बड़े हुए। क्या काम करते हैं? मैं प्लाटा में भी जाता हूँ और पेंट पॉलिश वाल पेंट का भी काम करता हूँ।
और प्लाटा भी मैं छोटे मोटे प्लाटा व्लाटा बिकाता हूँ मीडिएटर के सर, और रियल इस्टेट वही उसके भी प्लाटा छोटे मोटे बिकाता हूँ कहीं पर। सब हाँ लव मैरिज है, सब लव मैरिज बोलता हूँ कि घर वालों को भी मालूम था 22-23 साल से, कम से कम 23 साल 24 साल के करीब हो रहा और घर वालों को मालूम था, तो बात करके मैं लव मैरिज कर लिया हूँ। आपका कास्ट अलग है, उनका कास्ट अलग है, तो आपके कास्ट में आप रहते हो उनका? हाँ उनको मैं उन्हें कन्वर्ट में दिया, आपका जो भी है नमाज वमाज पढ़े तो मैं राइट बोलता था तुम्हारे कास्ट में, तुम बच्चा बोलता मेरे कास्ट में था। अच्छा। मैं वो भी बोला था जो भी अगर मौत मट्ठी भी करेंगे तो मेरी मेरे मम्मी लोगों को दे देना, कभी भी ऐसी बोलते थे कभी मैं मरो या तुम्हारे से पहले मैं मरूँगी तो मेरे अम्मा लोगों को दे देना मेरी मौत, देखो मेरे को तुम्हारे लोगों में अच्छी बात है। मैं बोला था ठीक है जैसा तुम जैसा बोले वैसे ही बोलता था। हाँ पढ़ते थे ना, हाँ रोज़े में रहते थे, अभी जरा उनको हटायरेट था, 2-4 जितना भी होते रहते थे मगर कि नमाज उमाज पढ़ लेते थे। अभी यहाँ पर ऐसा सुसाइड केस हुआ है, अभी यहाँ पर 2 घंटे से हबीब नगर PS लिमिट्स MS स्कूल की लाइन में 2 घंटे से सुसाइड केस हुआ। अभी नाइट जोन ऑफिसर आए, पुलिस 2 घंटे से वेट कर रहे, क्लूज टीम के लिए वेट कर रहे, 2 घंटे हो गया सर, अभी 2 घंटे तक नहीं आया। जोनल ऑफिसर से पूछ रहे तो उन्होंने बोल रहे आएंगा 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 बोल के बोले, अभी उन्होंने भी भर के गए जब से ठहरे 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 हमारे पास। क्या करना सर इसके लिए, एक्शन लीजिए DGP सर आप। क्लूज टीम को कॉल करे तो उन्होंने स्टाफ नहीं है बोल के बोल रहे, जोनल ऑफिसर को बोले हम लोग तो कॉल करे, अभी कॉल करो टीम नहीं है बोल के बोल रहे, 2 घंटे से बॉडी लटक रहा वहाँ पर हैंगिंग में, फैमिली पूरा रो रहा सर उनका, क्या करना सर, तकलीफ होता है सर देख के। DGP सर आप एक्शन लीजिए ये चीज के ऊपर, आप जल्द से जल्द क्लूज टीम के ऊपर एक्शन लीजिए आप। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।